माँ मेरी माँ, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? मेरे भाई इसको छोड़ दो। अरे तुम मेरी माँ को छोड़ दो, मेरे भाई मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। तुम अभी अकेले हो मेरे बेटे, जाओ जाओ और भी मेरे सारे संतानों को लेकर आओ, ये सब बहुत सारे हैं, जाओ जाके मुझे बचाओ और लेके आओ और भी मेरे संतानों को। जाओ बेटे जाओ तुम मुझे। हाँ माँ, हाँ माँ, मैं ऐसा ही करता हूँ माँ। गुरुजी आपसे कुछ बात करनी है। गुरुजी हाँ हाँ बोलिए। गुरुजी आप तो अज्ञानता के विध्वंसक हैं, फिर हमारे भारत माता अज्ञानियों की अज्ञानता और अशिक्षा के चंगुल में क्यों फंसी हुई है? गुरुजी मैं तो रोज ही अशिक्षा से ज्ञान का बीज देकर के सीखा, ज्ञान का प्रकाश फैलाकर अज्ञानता के अंधकार को दूर कर रहा हूँ, वो सब कुछ ठीक है गुरुजी। लेकिन आप अपने कार्य में शीघ्रता कीजिए गुरुजी। जरूर मित्र, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ? मैं चलने को तैयार हूँ, आप मेरे साथ चलिए। मैं हमारी भारत माता करा, मैं साइकिल लगा करके मैं आपके साथ चलूँगा। और कुपोषण से बचा जा सके। मैं आप लोगों के साथ हूं सर, चाहे वो कुपोषण हो या फिर प्रदूषण हो, चलिए मिलकर उसका मुकाबला करते हैं। वकील साहब, आप तो न्याय के संरक्षक हैं। हाँ तो आप कहना क्या चाहते हैं? हम लोग बस यही कहना चाहते हैं कि इस देश से अन्याय का खात्मा कर दें वकील साहब। अरे भाई आप लोग साफ साफ तो कहिए, आखिर बात क्या है? हमें पता तो चले कहाँ अन्याय हो रहा है। वकील साहब हम लोग को तो पता भी नहीं चला और अन्याय अनाचार दुराचार ने पूरे भारत को परेशान करके रख दिया, चलिए हम सब मिलकर इसका खात्मा करते हैं वकील साहब। हाँ वकील साहब, चलिए अभी चलिए। जी आप लोग एक साथ आज क्या बात है, कुछ बात है क्या? जी सर कुछ खास बात है। क्या बात है बताइए सर? आज किसी को आपके कानूनी डंडे की सख्त जरूरत है। कौन है, कहाँ है वो?
आखिर किसे कानूनी डंडे की जरूरत पड़ गई? सर, आज हमारी भारत माता को भ्रष्टाचार ने अपनी बेड़ियों में जकड़ रखा है। बात जब भारत माँ की हो तो चाहे वो लोग रहे चाहे हम लोग, चलिए हमारे साथ आप लोग। क्षमा कर दे माँ। मुझे क्षमा कर दो माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं बहुत बड़ा अन्याय किया माँ, मुझे क्षमा कर। माँ मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दे माँ, मुझे माफ कर दे माँ। मैं क्या कर रहा था? स्वच्छता की जगह स्वच्छता फैला रहा था। हे भारत माँ, माफ करो मुझे, माफ करो मुझे भारत माँ, माफ करो। मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम लोग इसी तरह एकजुट होके रहोगे तो तुम्हारी भारत माता को कोई कष्ट नहीं पहुंचेगा।